Student, welcome to my channel Study Classes. Today I shall explain you the lesson. Lesson 1 of class 12, the last lesson. Its author is Alphonse Daudet, a French novelist and story writer. Student, आज आप लोगों को मैं क्लास 12 का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन उसको एक्सप्लेन करूंगा. स्टूडेंट, इन दिस लेसन देयर इज अ लिटिल बॉय, हिज नेम इज फ्रेंज. इस लेसन में एक छोटा लड़का है जिसका नाम फ्रेंज है. एंड हिज टीचर टोल्ड हिम दैट ही वुड आस्क हिम About the questions of participle the next day. His teacher's name was Mr. M. Hamill. उसके टीचर M. Hamill ने उसे कहा था कि अगले दिन वो participle पर question पूछेंगी. But little friend did not know anything about the participle. लेकिन little friend participles के बारे में कुछ भी नहीं जानता था. He did not like to go to the school the next day. इसलिए अगले दिन वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता था. It was a very fine day. It was a very pleasant day. It was a very bright day. ये बहुत ही सुहावना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार दिन था. So he wanted to enjoy the day. इसलिए वह दिन का आनंद लेना चाहता था. And he did not want to go to school that day. इसलिए वह उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था. He saw that the Prussian soldiers were drilling at the back of the sawmill. उसने देखा कि जो Prussian soldiers हैं वो आरा मशीन के पीछे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं. स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी रिलेटेड टू द प्रूसियन एंड फ्रेंच वॉर इन 1870 एंड 1871. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच वॉज डिफीटेड बाय प्रूसिया एंड फ्रेंच टू डिस्ट्रिक्ट Lorraine and Alsace were passed away into Prussian hands. In that time, Prussia consisted the countries of Germany, Poland and some parts of Austria. तो स्टूडेंट, ये कहानी हमें बताती है उस समय की जब 1870 और 71 में प्रूसिया और फ्रेंच के बीच युद्ध हुआ था. तो प्रूसिया में उस समय तीन कंट्री सम्मिलित थे जिनमें एक जर्मन, दूसरा होलैंड और तीसरा कुछ पार्ट प्रूसिया के थे. तो इस स्टोरी में जो फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट हैं अलसेस और लोरेन, उन पर जर्मन ने, प्रूसियन ने कब्जा कर लिया. तो स्टूडेंट, एंड द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, और बर्लिन से आदेश आ गया था दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे द जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अलसेस एंड लोरेन. अलसेस और लोरेन के स्कूल में अगले दिन से जर्मन पढ़ाई जाएगी इंस्टीड ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच के अलावा. मतलब फ्रॉम द नेक्स्ट डे न्यू टीचर विल कम हु विल टीच द जर्मन लैंग्वेज एंड मिस्टर हेमिल वेंट टू हिज होम हु टॉट देम फ्रेंच. फ्रेंच विल नॉट बी टॉट फ्रॉम द नेक्स्ट डे. अगले दिन से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी. सो स्टूडेंट, लिटिल फ्रेंच वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू स्कूल because he wanted to take
enjoy of the day and the atmosphere around him. So, but he did not resist himself from going to school. लेकिन फिर भी वो अपने आप को स्कूल जाने से नहीं रोक पाया. And he went hurriedly to the school. और वह जल्दी जल्दी से स्कूल गया. He passed through the town hall. वह टाउन हॉल से होकर के गुजरा. Where he saw a large crowd. He saw so many people in front of the bulletin board reading the news. और वह टाउन हॉल से निकला. वहां पे उसने देखा कि टाउन हॉल के सामने बहुत सारे लोग जो बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज है उसको पढ़ रहे हैं. बट ही डिड नॉट पे अटेंशन टू देम. लेकिन उसने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया. ही वेंट स्ट्रेट टू द स्कूल. वह सीधा स्कूल की ओर गया. एंड देयर वॉज अ ब्लैक स्मिथ हुज नेम वॉज वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर लिटिल फ्रेंड. वहां पे एक ब्लैक स्मिथ था, एक लोहार था जिसका नाम वॉचर था. और वह न्यूज बुलेटिन बोर्ड पर न्यूज को पढ़ रहा था. उसने लिटिल फ्रेंड से कहा, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत चलिए बॉय. यू विल रीच द स्कूल इन टाइम. यू हैव सफिशियंट टाइम फॉर गोइंग टू स्कूल. तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए पर्याप्त समय है, काफी समय है. सो द लिटिल फ्रेंड्स थॉट दैट द ब्लैक स्मिथ वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम. इसलिए लिटिल फ्रेंड ने सोचा कि जो ब्लैक स्मिथ है वो उसका मजाक उड़ा रहा था. एंड ही बेंट हरीडली टू हिज स्कूल. और वह जल्दी से अपने स्कूल की ओर गया. When he reached into the Mr. M. Hamill's little garden, जब वह मिस्टर एम हेमिल के छोटे बगीचे में पहुंचा, he heard that there was no hustle and bustle, means there were no sound, any sound of the school. उसने देखा, उसने सुना कि वहां पे स्कूल चलने जैसी कोई आवाज नहीं उसे सुनाई दे रही थी. Because he could not hear the voice of opening and closing of the desk. क्योंकि वह डेस्कों के खुलने और बंद होने की आवाज को नहीं सुन सका. He also did not listen the lessons repeated in the unison. एक ही स्वर में वह लेसनों को रिपीट करते हुए स्टूडेंट को उसने नहीं सुना. And he did not also hear the sound of rapping the ruler on the table. और उसने टीचर के जो आयरन रूलर था उसको टेबल पे टैपिंग करने की आवाज को भी नहीं सुना. But he saw that there was everywhere silence. उसने देखा कि वहां हर जगह एकदम शांति का माहौल था. And it was seeming that it was the holiday like Sunday. उसे ऐसा लगा जैसे कि छुट्टी का दिन था, संडे था. There was no noise anywhere. कहीं पे कोई आवाज नहीं थी. And when he went to his class and looked through the window, he saw that the students were sitting on their places. And his teacher, Mr. M. Hamill, was walking up and down with his ruler, iron ruler under his arm. तो जब उसने खिड़की से देखा तो उसके जो क्लासमेट्स थे वो सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे. और उसके जो टीचर थे मिस्टर एम हेमिल वो अपने आर्म के नीचे आयरन रूलर को दबाए हुए क्लास में यहां वहां घूम रहे थे. एंड So little friend was much afraid and was feeling much ashamed. इसलिए वो छोटा फ्रेंड बहुत ही घबराया हुआ था, बहुत ही
अपमान महसूस कर रहा था, बहुत ही शर्मा रहा था। बट व्हेन द टीचर मिस्टर एम हैमिल सॉ हिम, लेकिन जब उसके टीचर मिस्टर एम हैमिल ने उसे देखा, सो ही कॉल्ड आउट टू हिम, और इसलिए उन्होंने उसे बुलाया, एंड सेड टू हिम, गो टू योर सीट सून, एंड आई वॉज स्टार्टिंग आउट विदाउट यू लिटिल फ्रेंड। टीचर ने कहा कि छोटे फ्रेंड जल्दी से अपनी सीट पर जाओ, आज तो हम तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने जा रहे थे। एंड ही सॉ दैट हिज टीचर वॉज वीयरिंग सम स्पेशल ड्रेस ऑन दिस डे, और उसने देखा कि उसके टीचर आज एक विशेष यूनिफॉर्म पहने हुए थे। ही हैड अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। उसने देखा कि उसके टीचर एक ग्रीन कोट पहने हुए थे, उनकी जो शर्ट थी वो कैसी थी, झालरदार थी, और उनकी जो लिटिल ब्लैक सिल्क कैप थी वो पूरी जड़ी हुई थी। एंड ही ऑफन वोर दीज क्लॉथ्स ऑन द इंस्पेक्शन डे और ऑन द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल, और वो ये ड्रेस हमेशा किसी इंस्पेक्शन के दिन या किसी एनुअल फंक्शन के दिन ही पहनती थी। एंड ही सॉ दैट देयर वर ब्लेजर्स ऑन द बैक सीट ऑफ द क्लासेस, और उसने देखा कि उसकी क्लास के कुछ गांव के लोग पीछे की सीटों पर बैठे हुए थे। एंड ही सॉ दैट देयर वर पीपल, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, द फॉर्मर मेयर एंड सो मैनी पीपल, ओल्ड हॉजर एंड सो मैनी पीपल वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास। उसने देखा कि पीछे की सीटों पर ओल्ड हॉजर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर और ऐसे बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे। And he was wondering, और उसे आश्चर्य हो रहा था, he was surprising why those people came and sat into his class, कि ये लोग क्यों आए और उसकी क्लास में क्यों बैठी हुई थी। Then his teacher Mr. M. Hamill told the children that the student, this is the last lesson which I am going to teach you. मिस्टर एम हैमिल ने बच्चों को बताया कि बच्चों ये आज आप लोगों का आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं। बिकॉज द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, के अल्सेस और लोरेन की स्कूलों में अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। सो दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, इसलिए ये आप लोगों का अंतिम फ्रेंच लेसन है, एंड यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, और तुम लोगों को अब बहुत ही अटेंटिव होना चाहिए। सो दीज वर्ड्स लाइक अ थंडर क्लैप टू मी, लिटिल फ्रेंच ने महसूस किया कि ये शब्द उसके लिए बिजली की कड़कड़ाहट जैसे थे, बिजली की गरजने जैसे थे। एंड नाउ ही थॉट व्हाई द पीपल्स हैड कम टू देयर स्कूल एंड सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द स्कूल, और वह समझ गया कि आकर गांव के लोग क्यों आए थे उसके स्कूल और क्यों पीछे की सीटों पर बैठे हुए थे। एंड ही ऑल्सो फेल्ट हिमसेल्फ दैट ही कुड हार्डली न्यू हाउ टू रीड और राइट फ्रेंच, और उसने ये भी महसूस किया अभी मुश्किल से वो फ्रेंच लिखना और पढ़ना भी सीख पाया था। And he was feeling very sorry because he did not pay any attention to his teacher anymore. और उसने यह भी महसूस किया कि इससे पहले उसने अपने टीचर पर ना ही उसके लेसन पर
बहुत ज्यादा ध्यान दिया था एंड ही ऑलवेज गो फॉर सर्चिंग बर्ड सेक्स, और वो अक्सर चिड़ियों के अंडे सर्च करने के लिए गया गया था एंड बेन फॉर स्लाइडिंग इन द सार्क रिवर, और सार्क नदी में स्लाइडिंग करने के लिए गया था। हिज बुक्स सीम्ड टू हिम हैवी, उसकी पुस्तकें पहले उसे बहुत भारी महसूस होती थी। एंड ही थॉट देम आर नॉइजेंस, और हमेशा वो उन्हें एक नॉइजेंस परेशानी में डालने वाली चीज समझता था। एंड नाउ ही वॉज फीलिंग हिज बुक्स हिज ओल्ड फ्रेंड्स, और अब वह अपनी पुस्तकों को अपने ओल्ड फ्रेंड्स जैसा महसूस कर रहा था। फ्रॉम विच ही कुड नॉट बी सेपरेटेड, जिनसे वो अलग नहीं होना चाहता था। ही वॉज ऑल्सो फीलिंग वेरी सॉरी बिकॉज हिज टीचर वॉज गोइंग टू लीव हिम, और उसे बड़ा दुख महसूस हो रहा था क्योंकि उसका टीचर भी उसे यहाँ छोड़कर के जा रहा था। एंड ऑल दिस ही फॉरगेट दैट हिज टीचर्स नेचर वॉज वेरी क्रैंकी, एंड ही ऑल्सो फॉरगेट हिज आयरन रूलर, इस बात ने उसे टीचर का जो चिड़चिड़ा स्वभाव था उसको भी भूल गया, उसके आयरन रूलर को भी भूल गया। एंड ही वॉज फीलिंग मच पिटीनेस ऑन द टीचर, और उसे अपने टीचर पर बहुत सहानुभूति महसूस हो रही थी। एंड स्टूडेंट देन द टीचर स्टार्टेड द स्टूडेंट टू पुट अप द क्वेश्चंस अबाउट द पार्टिसिपेंट्स, और तब टीचर्स ने बच्चों से पार्टिसिपेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछना शुरू किया। एंड व्हेन इट वाज द टर्न ऑफ लिटिल फ्रेंड सो ही स्टॉप्ड एंड ही कंफ्यूज्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस, जब लिटिल फ्रेंच का नंबर आया तो वह पहले ही सेंटेंस में कंफ्यूज्ड हो गया, वह पार्टिसिपेंट्स के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। बट हिज टीचर मिस्टर एम हेमिल डिड नॉट स्कोल्ड हिम, लेकिन उसके टीचर मिस्टर हेमिल ने उसे डांटा नहीं। एंड ही थॉट दैट इफ ही वुड पनिश हिम ही फेल्ट मच असेम, कि अगर वह उसे दंड देंगे तो उसे ज्यादा शर्मिंदा महसूस होगी। एंड ही टोल्ड लिटिल फ्रेंड दैट ही वुड नॉट स्कोल्ड हिम बिकॉज ही शुड फील बैड हिमसेल्फ, बिकॉज इट वॉज वेरी इजी फॉर लिटिल फ्रेंच टू लर्न फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच के लिए बहुत आसान था कि वो फ्रेंच सीख सके। बट ही वॉज टू मच केयरफुल, ही वॉज टू मच केयरलेस, वह बहुत लापरवाह रहा। ही डिड नॉट इवन पे एनी अटेंशन टू हिज टीचर एंड टू हिज बुक्स, उसने ना तो अपनी बुक्स पे और ना ही अपने टीचर पे कभी ध्यान दिया। ही हैड द आइडिया दैट ही वुड लर्न एवरीथिंग लेटर, उसके पास तो एक विचार था कि वो बाद में सब कुछ सीख लेगा। एंड इन दिस वे द टाइम पास्ड अवे, और इस तरह से समय व्यतीत होता गया। एंड इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द क्लास ऑफ लर्निंग द फ्रेंच, और फ्रेंच सीखने का यह लास्ट डे था, लास्ट पीरियड था। इन दिस वे द टीचर टोल्ड देम दैट ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन ऑफ लर्निंग इट, ही ऑलवेज थॉट दैट ही वुड लर्न इट टुमारो, और उसके अंदर हमेशा यही विचार रहा कि वह इसको कल सीखेगा, आज नहीं सीखेगा। एंड इन दिस एंड दे ऑल्सो फील टू मच केयरलेस अबाउट लर्निंग इट, एंड देयर पेरेंट्स ऑल्सो सेंड देम टू वर्क ऑन द फार्म एंड द मिल्स फॉर अर्निंग अ लिटिल मनी, और इसके लिए उनके पेरेंट्स ने भी उन लोगों को खेतों में काम करने के लिए
मिल में काम करने के लिए भेजा ताकि उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ अर्निंग हो सके। एंड द टीचर हिमसेल्फ वेन ही ऑल्सो वॉन्टेड टू गो फॉर फिशिंग ही ऑफन लीव्स देम। और जब भी टीचर फिशिंग करने के लिए जाना चाहता था तो वो भी उस उन लोगों को छुट्टी दे देता था। एंड इन दिस वे दे ऑल्सो हैव अ हॉलीडे। और इस प्रकार से उन्हें एक छुट्टी मिल जाती थी। एंड फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर एम एम एल बेंट ऑन टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज। और इस तरह से एक बात के बाद दूसरी बात, दूसरी बात के बाद तीसरी बात, मिस्टर एम एम एल फ्रेंच लैंग्वेज पर बात करने लगे। ही टोल्ड द स्टूडेंट दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो इस संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। इट इज द मोस्ट क्लियरेस्ट, इट इज द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। एंड दे शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट दे नेवर फॉरगेट इट। और वो हमेशा इस बात को महसूस करते थे कि वो हमेशा याद रखेंगे, वो अपनी लैंग्वेज को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो इस दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे लॉजिकल, सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। एंड ही ऑल्सो टोल्ड देम दैट व्हेन पीपल आर इंसलेव्ड एज लॉन्ग एज दे हैव देयर लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देयर व्यूज और आइडियाज। अगर लोगों को गुलाम बना लिया जाता है तो उनकी लैंग्वेज ही होती है जो उनके लिए एक जेल की चाबी का काम करती है। एंड देन द टीचर टोल्ड देम द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। तब टीचर ने उन्हें उनकी अपनी स्वयं की भाषा के महत्व को समझाया। एंड देन द टीचर ओपन द ग्रामर बुक एंड टॉट अस द लेसन। और हम लोगों को उसने वो पाठ पढ़ाया। एंड लिटिल फ्रेंच फेल्ट दैट ही वॉज टू मच अमेज्ड बिकॉज द टीचर विच द टीचर टॉट हिम एवरीथिंग ही कोड अंडरस्टैंड वेरी वेल। जो कुछ भी टीचर ने उसे पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छी तरह से उसको समझ सका। एंड ही फेल्ट दैट इट वॉज सो मच इजी ऑफ लर्निंग। और उसने महसूस किया कि ये सब सीखना बहुत ही इजी था। एंड ही ऑल्सो फेल्ट दैट ही हैड नेवर लिसन सो मच केयरफुली। और उसने यह भी महसूस किया कि इतनी केयरफुली उसने कभी अपने टीचर को नहीं सुना। एंड आफ्टर द ग्रामर लेसन दे हैड अ राइटिंग। ग्रामर के लेसन के बाद उन्होंने राइटिंग वर्क भी किया। एंड द टीचर दैट डे हैड ब्यूटीफुल राउंड हैंड राइटिंग। फ्रांस अलसेस। एंड आफ्टर द राइटिंग दे फेल्ट दैट व्हाइल राइटिंग टाइम देयर वर नो साउंड इन द क्लास, देयर वॉज एवरीवेयर साइलेंस इन द क्लास एंड दे कुड ओनली लिसन द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। लिखते समय क्लास में इतनी शांति का वातावरण था कि केवल कागज पर पेनों के चलने की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं सुनाई दे सकता था। और नो वन पे अटेंशन एट द बीटल्स विच फ्लू इनसाइड द क्लास। बीटल्स जो क्लास के अंदर उड़कर आ गए किसी ने भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऑल पेड अटेंशन टू देयर राइटिंग वर्क। एंड ऑन द रूफ पिजन्स ऑल्सो कुक्ड वेरी लो एंड
The little French thought that will they need to learn German from the next day? उसने सुना कि छत के ऊपर से कबूतरों की आवाज भी सुनाई दे रही थी, तो लिटिल फ्रेंच ने महसूस किया क्या उन्हें भी कल से जर्मन लैंग्वेज सीखने की आवश्यकता है. एंड द लिटिल फ्रेंच व्हेन सॉ हिज टीचर दैट हिज टीचर वाज सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर. और लिटिल फ्रेंच ने जब अपने टीचर मिस्टर एम हैमिल की ओर देखा तो उसने देखा कि मिस्टर एम हैमिल पहले एक चीज को बड़े ध्यान से देख रहे थे, उसके बाद दूसरी चीज को, यानी प्रत्येक चीज को वह बड़े ध्यान से देख रहे थे. एंड ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, और वह प्रत्येक चीज को अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे. एंड I heard the sound of the attic of packing his beddings